Asslamualikum students, welcome to my channel Maths Time. आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स यूनिट 10 को कंटिन्यू करते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फैमिलीज एवरेज एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ वीक वाज आरएस 3500। यानी कि फैमिली का, एक खानदान का एक हफ्ते में एवरेज खर्चा 3500 फॉर द फर्स्ट 4 डेज एंड आरएस 3000 फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, अगले दो दिनों का 3800। इफ़ द एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर अ डे ऑफ द वीक वाज आरएस 3600, अगर जो है एवरेज औसतन खर्चा फॉर अ डे ऑफ वीक एक हफ्ते का एक दिन 3600 है, तो हाउ मच डिड द फैमिली स्पेंड ऑन द सेवेंथ डे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 4 डे, सबसे पहले क्या था एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 4 डे 3500, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा चार दिनों का, सिंपल सी बात है 3500 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 14000। इसी तरीके से एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 2 डेज का कितना था 3800, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 डेज 3800 मल्टीप्लाई बाय 2 7600। अच्छा जी, अब एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 7 डेज, देखिए पूरे हफ्ते का कितना था 3600 ना, 7 दिनों, तो 7 दिनों टोटल 7 दिनों का कितना हुआ 3600 मल्टीप्लाई बाय 7 25200। एक्सपेंडिचर ऑफ सेवन्थ डे हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे 25200 में से 14600 का माइनस कर देंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 7 बड़े नंबर का, 14000 प्लस 3600 21600, 25200 में से 21600 माइनस किया तो 3600, यह आपका आंसर आया। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9, आउट ऑफ 13 काउस 13 काउ में से 1 वर्थ आरएस 26000 वाज रिमूव्ड, उसको निकाल दिया गया एंड अ हॉर्स वाज इंक्लूडेड, एक घोड़े को शामिल किया गया, अगर एवरेज प्राइस उन जानवरों की 1500 है तो एक घोड़े यानी फाइंड द प्राइस ऑफ हॉर्स, घोड़े की कीमत क्या होगी। तो देखो सॉल्व करके, सपोज एवरेज प्राइस ऑफ 13 काउस हमने लेट कर लिया, मान लिया कि 13 काउस की प्राइस क्या है एक्स के बराबर है, टोटल प्राइस ऑफ 13 काउस टोटल प्राइस कितनी होगी, एक काउ की समझे एक्स है तो 13 काउस की कितनी होगी 13x, सही है। हमें रिमेनिंग प्राइस ऑफ 12 काउस हमें एग्जैक्ट नहीं पता, सही है, तो हम क्या करेंगे 13x में से 26000 को माइनस कर देंगे। हमें एवरेज प्राइस ऑफ 12 काउस एंड 1 हॉर्स, एवरेज प्राइस क्या होगी जो हमें गिवन है 1500, उसमें हम क्या करेंगे काउस की एवरेज को प्लस कर देंगे, सही है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1500। अब देखें टोटल प्राइस ऑफ 12 काउस एंड अ हॉर्स 13x प्लस 1500, क्योंकि ये है एवरेज प्राइस ऑफ 12 काउस एंड 1 हॉर्स ना, हमें 13, ये देखें 12 काउस और एक हॉर्स कितने होते हैं 13, 13 को जब हम इस ब्रैकेट से पहले एक्स प्लस 1500 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर हमने माइनस कर दें क्या रिमेनिंग प्राइस ऑफ 12 काउस, रिमेनिंग प्राइस क्या है 13x माइनस 26000 ना, तो 13 को x से मल्टीप्लाई किया 13x प्लस 13 को 1500 से मल्टीप्लाई किया 19500 माइनस 13x माइनस माइनस प्लस 26 इधर 1000 स्टूडेंट्स 26000 प्लस 19500 45500 हॉर्स की कीमत आ गई। ओके स्टूडेंट इसको करेक्ट कर लेंगे 26000 होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। The average price of 12 toy cars and 12 books is Rs. 600. 12 toy cars और 12 books की average price 600 रुपए है। अगर if the price of book is twice that of a car, अगर book की price toy car से दो गुना ज़्यादा हो जाए, find the total price of three toy cars and 2 books. तो हमें total price find out करनी है 3 toy cars की और 2 books की। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन इसका देखें, नंबर ऑफ टॉय कार्स हमें कितनी गिवन है 12 और नंबर ऑफ बुक्स 12, तो पहले हम टोटल क्वांटिटीज निकाल लेंगे प्लस कर लेंगे 12 प्लस 12 टोटल क्वांटिटीज क्या आ गई 24 आ गई ना। अब हमें क्या करना है टोटल प्राइस ऑफ 12 टॉयज कार्स एंड 12 बुक्स कितनी गिवन है हमें एवरेज प्राइस 600 और ये कितनी क्वांटिटीज आ गई 24, तो हम क्या करेंगे 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, आंसर आएगा 40400। अब आगे देखिए सपोज कर लें let x be the price of one car, x be the price of one car and the price of one book, क्योंकि देखिए उसने बोला है कि
कार की प्राइस से बुक की प्राइस 2 गुना ज्यादा हो जाए, उसमें हमने फाइंड आउट करना है ना। एक्स को हमने मान लिया प्राइस, कार की प्राइस, और 2x को मान लिया बुक की प्राइस, तो क्या होगा 12x प्लस 24x, सही है। एक्स क्या निकला हमारे पास, एक्स देखिए दोनों को प्लस किया तो 24 आ गया ना, क्योंकि देखिए पहला एक्स क्या था, 12 था ना एक क्वांटिटी, अब उसने 2 गुना ज्यादा कर दिया ना, 2 को मल्टीप्लाई किया 12 से तो 24x = 14,400। 12 और 24 प्लस करके आपस में 36 लाख आएगा, इज इक्वल्स टू 14,400। 36 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, 36 को 14,400 में डिवाइड किया, 400x आया। अब देखिए प्राइस ऑफ वन टॉय कार कितनी है, 400, और बुक की प्राइस क्या है, डबल है। बुक की प्राइस क्या है, डबल है कार से, सही है, तो 800। अब देखिए प्राइस ऑफ थ्री टॉय कार एंड टू बुक्स, थ्री एक की क्या है 400, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक बुक की क्या है 800, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12 प्लस 2 8 16 1200 प्लस 1600 आंसर क्या आया, 2800 आंसर आया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपनी क्यूरीज कमेंट सेक्शन में। अच्छा जी 11वां सवाल है, द एवरेज सैलरी ऑफ ए बी एंड सी इज आर 60,000, ए बी और सी की एवरेज सैलरी 60,000 है, एंड रेट ऑफ बी सी एंड डी, और बी सी और डी की सैलरी 75,000 है। अगर डी की सैलरी 90,000 है तो ए की मंथली सैलरी क्या होगी। देखिए सबसे पहले एवरेज सैलरी ऑफ ए बी एंड सी कितनी है, 60,000, कितने बंदे हैं टोटल, 1 2 3, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 180,000। एवरेज सैलरी ऑफ बी सी एंड डी कितनी है, इनकी 75,000 है ना, और ये कितने बंदे हैं 3, तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3 225,000। अब देखिए हमें पता है ये कितनी किसकी सैलरी आएगी, बी सी और डी, बी प्लस सी प्लस डी बराबर है 225,000 की ना, तो और बी प्लस सी, और देखिए हमें डी की सैलरी गिवन है 90,000 इज इक्वल्स टू 225,000, तो बी प्लस सी की सैलरी कितनी हो जाएगी, देखिए 225,000 उधर है ना, 90,000 उधर ले गया, माइनस हो गया प्लस से उधर जाके माइनस में, तो ये आपका आंसर आया 1,35,000। इसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी की क्या है एवरेज सैलरी, मतलब टोटल सैलरी क्या निकली है 1,80,000, सही है। और हमें क्या चाहिए, ए की मंथली सैलरी चाहिए, और हमने अभी निकाला बी प्लस सी की मंथली सैलरी ना, क्या है 1,35,000, तो 1,80,000 उधर है, 1,35,000 उस तरफ ले गए माइनस कर दिया, क्या आंसर आया 45,000, ए इज इक्वल्स टू 45,000, हेंस मंथली सैलरी ऑफ ए इज आर एस 45,000। अच्छा जी अब 12वां सवाल है, सिकंदर एंड तलहा हैव ईच टेकन 3 विकेट्स फॉर 28 रन्स, सिकंदर और तलहा दोनों ने 3 विकेट्स लिए 28 रन्स लेकर, सिकंदर देन टेक्स 2 विकेट्स फॉर 17 रन्स, उसके बाद सिकंदर ने 3 विकेट्स और ली 17 रन्स पर, एंड तला 1 for 12, और तला ने 12 रन्स पर 1 विकेट ली, हूज एवरेज इज बेटर नाउ, के इन दोनों में से किसकी एवरेज बेटर है। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय सिकंदर, एक इनिंग्स में उसने 3 ली और दूसरी में 2 ली, तो 3 + 2 = 5। अच्छा जी अब रन्स अगेंस्ट 5 विकेट्स, देखिए एक इनिंग में उसने 28 दिए, दूसरी में 17 दिए, 28 प्लस 17 45, एवरेज रन्स पर विकेट क्या हो गया 5 divided by 45 divided by 5, 5 1 5, 5 9 45, एवरेज रन्स पर विकेट आए 9 रन्स। इसी तरीके से नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय तला, पहली इनिंग्स में उसने 3 ली, एक दूसरी में 1, 3 + 1 = 4, रन्स अगेंस्ट 4 विकेट्स, 4 विकेट्स रन्स कितने हुए 28 + 12 = 40, क्योंकि एक इनिंग में 28 रन दिए थे उसने भी, और दूसरी इनिंग में 12 रन दिए, तो ये हो गया 40 रन। हमें एवरेज ऑफ रन्स पर विकेट पे एवरेज कितनी हुई 40 divided by 4, 4 × 4, 4 × 40, तो देखिए किसकी एवरेज बेहतर आई, किसकी एवरेज बेहतर आई, सिकंदर एवरेज इज बेटर देन तला, क्योंकि सिकंदर ने कम रन्स दिए 9, उसने 10 रन्स दिए, तो स्टूडेंट्स
यहाँ पर खत्म होगा हमारा आज का लेक्चर। अगर आपके स्टिल कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।